हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कुल्लू दशहरे में। ये हमारी सबसे छोटी छोटी बहन है जो ये भी हमारे साथ आज कुल्लू जा रही है। अभी हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। अभी हम जिया से होकर जा रहे हैं कुल्लू की तरफ। जो आपको सामने जो ये पहाड़ दिख रहा है, ये कुल्लू है। अभी हम इस पहाड़ के दूसरी तरफ है। अभी हम इसे पुल से क्रॉस करके यहाँ पर जाएंगे, बिकॉज मेला जो है यहीं पर लगता है। ये कुल्लू को जाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता है। अभी हमें गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी, तो हमें पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। ये आपको जो नदी दिख रही है, ब्यास नदी है। पिटकी पिटकी पानी ना है। गाइस, हम ना दूसरी बार शहर में आए हैं घूमने। कितना ट्रैफिक है और ब्लॉग कितना ट्रैफिक है। क्या बोलना है, क्या बोलना है, हमें तो फिर बड़ी शर्म आ रही ब्लॉग बनाते हुए। ये है कुल्लू दशहरा। पार्किंग सारी फुल। हाँ, ये सामने वाली पार्किंग है भाई। जितनी भी पार्किंग सारी फुल, रोड की साइड में भी। तो अब हम पहुंच गए हैं कुल्लू दशहरे में, जो बेसिकली जहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। सबसे पहले काम जो हम कुल्लू में आकर करते हैं, जो बेसिकली जिसके लिए कुल्लू दशहरा मनाया जाता है, वो है यहाँ की देवी देवताओं के लिए। हम यहाँ पे आकर देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे आपको जितने भी जो टेंट्स दिख रहे हैं ना, ये सभी हमारे देवी देवताओं के टेंट हैं, जो बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं और यहाँ पे 7 दिन रह कर जाते हैं। तू एक्सप्लोर कर रही है। इस बार कुल्लू दशहरे की खास बात ये थी कि यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हो, इस बार जो है जितने भी लोग थे, सभी का ये कहना था कि इस बार की डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अभी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और इतना ज़्यादा क्राउड था। मानवी, आपको मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? इसको चलने में मज़ा आ रहा है। मेरे को ना ये लेने यार, ये फूल वगैरह ये सब। हाँ, कुछ चलाते हुए लेंगे इसको। खकाना इम्पोर्टेंट है, तभी हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं। हम भले ही कुछ ले ना ले, बट धक्के खाना है। धक्के खाना इम्पोर्टेंट है। कोई इधर से मार के जा रहा है, कोई उधर से मार के जा रहा है भाई। इज्जत ही कोई। मिशु, हमने क्यों लगा के देख रहे हो, बस हम वही जा रहे हैं धक्के खाने। सो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता आए हुए हैं, बिकॉज आपको पता ही है कि जो कुल्लू का दशहरा है वो मनाया ही देवी देवताओं के द्वारा है। और तभी ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग जगहों से देवी देवता आते हैं, वो रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं और 7 दिन इस कुल्लू में रहकर सभी अपनी अपनी जगह पे 7 दिन रहते हैं और उसके बाद 7 दिन के बाद जाते हैं। एक चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, वो है देवी देवताओं का आपस में मिलन करते हुए। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को ग्रीट करता है, उसे गले लगता है, वैसे ही इस दशहरे में आकर देवी देवता भी आपस में इसी तरह से गले लगते हैं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है कि मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। और हाँ, इस बार कुल्लू दशहरे में कम से कम 200 से ऊपर देवी देवता आए थे। आप यहाँ पे क्राउड भी देख सकते हो जो इन देवी देवताओं के साथ आए हुए हैं। सो अभी कुछ देवी देवता अभी रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कुछ देवी देवता दर्शन करके जा रहे हैं। और हाँ, अभी इस टाइम आप देख सकते हो कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये हमारे देवी देवता हैं। कहाँ जा रही है? धक्के खाने।
हद भी है भाई। हम किश्ती में बैठते हैं बट अनफॉर्चुनेटली ये मुझसे अलग बैठ जाती है। आज भी है टोल में। और श्रुति आपको कैसे लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। लो देखो आप दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो। गाइस ये है कुल्लू दशहरा। कुछ ही टाइम में श्रुति की बातें निकल गई बिकॉज अब ये हवा में है इस टाइम पे। और ये मैं ये दीदी है और ये हम दशहरे में है। आपका पूजा हो रही ना अभी श्रुति इस तरह से सुबह से शाम हो जाती है हमें इस दशहरे में घूमते घूमते। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।